हेलो दोस्तों, मेरी इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं दुमका बस स्टैंड से बास्की चौक। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है दुमका का बस स्टैंड। एक बस भी निकल रही थी, अब यहाँ से हम चलेंगे बास्की चौक की ओर। तो हमें ये डीसी चौक वाले रास्ता में आगे जाना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है डीसी चौक। यहाँ से हमें सीधा आगे वाले रास्ता में जाना है, जिस रूट में दुमका क्लब है। तो आपको हम दिखा देते हैं एक बार, ये डीसी चौक है। अब यहाँ से एक हम जो है दुमका क्लब आपको दिखाने जा रहे हैं। तो अभी हम हैं दुमका क्लब के ऑपोजिट साइड में, और ये सामने रहा दुमका क्लब। तो इसमें हमें सीधा आगे वाले रास्ता में जाना है। देख पा रहे हैं, अब हम एयरपोर्ट के नजदीक पहुंच गए। सीधा वाला रास्ता में यदि हम जाते हैं यहाँ से, तो एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से हमें राइट टर्न लेना है, ठीक है। यहाँ से राइट लेने के बाद इसमें हमें आगे जाते रहना है, और एयरपोर्ट का पीछे से होते हुए हम लोग निकलेंगे अभी, ठीक है। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. अभी हम मुड़ा बहाल चौक पहुंच गए हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये मुड़ा बहाल चौक है। यदि आप यहां से राइट टर्न लेके जाते हैं, तो एक कुमड़ाबाद पुल यानी ब्रिज, जो कि काफ़ी लंबी ब्रिज बन रही है अभी, वहां पे आप पहुंच जाओगे यदि राइट लेके जाते हैं। लेकिन हम तो जा रहे हैं बास्की चौक। तो बास्की चौक जा रहे हैं, तो इसमें हमें सीधा ही जाना है। फिर ये चौक, इसी को बोलते हैं मुड़ावाल। देख सकते हैं हटिया टाइप का यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ से यदि आप लेफ्ट लेके जाते हैं, तो ये मसान जोड़ के लिए निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ से यदि आप राइट से जाते हैं सीधा, तो इसमें आप चले जाएंगे बास्की चौक। राइडिंग करने में ये रोड में काफी मजा आता है भाई। रोड दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हम लोग बास्की चौक में आ चुके हैं। और दोस्तों एक बात आप लोग को बता देते हैं, यदि आप यहाँ कभी घूमने आते हैं, तो सोचेंगे कि यहाँ पे कुछ दुकान में खाने पीने का ख़रीद लेंगे, तो वैसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है। तो आपको साथ में ही कुछ खाने पीने का लाना होगा, यदि आप इधर खाना पीना चाहते हो तो। एक छोटी सी दुकान है यहाँ पर, जो कि लेज कुरकुरे आपको मिल जाएगी, बिस्किट वगैरह मिल जाएगा, लेकिन और बेहतरीन के लिए आपको साथ लाना होगा दोस्तों। फ्रेंड आ रहे हैं अजय शर्मा, ये है अजय शर्मा, पीछे जो आ रहे हैं ये है अमन ठाकुर। तो हम लोग तीन फ्रेंड आ जाए हैं बास्की चौक घूमने के लिए। और अभी हम लोग जो है बास्की चौक का जो पुल है, उसी के ऊपर में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है पुल थोड़ा जर्जर हो गया, जिसके कारण अभी बाइक यहाँ पे नहीं घुसा सकते हम लोग। इससे पहले जो होता था, यहाँ पे बाइक हम लोग घुसा सकते थे। चलिए आगे दिखाते हैं आप लोग। तो गाइस, जैसे कि हम बताएं, ये पुल जो है पूरा जर्जर हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पे जो है कोई बाइक लेके प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ बंदे हैं, वो लोग बाइक लेके स्कूटी लेके आए हैं, लेकिन वो लोग जो है ज़्यादा अंदर तक नहीं घुसे हैं इस पुल पे, और सामने में ही वो लोग हैं। और हम पुल का स्थिति आपको हम दिखाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये पाइप लाइन है, इसके थ्रू पूरा दुमका वासियों को जो है पानी यहाँ से सप्लाई, यहीं से जाता है पानी। ये पुल लगभग हमको लगता है 1 किलोमीटर हो जाएगी ये पुल की लंबाई। देखिए ये पुल, आप देख के अनुमान लगा सकते हैं ये पुल की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर हो जाएगी। तो हम आगे उतना दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो है बाइक अलाव नहीं है, और ये पुल भी जर्जर है उसी के कारण।
इधर देख रहे हैं यहाँ से आपको सिर्फ फील्ड ही नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो सामने आप गड्ढे देख रहे हैं, बरसात के समय पानी जो है यहाँ तक आ जाता है इसका, और बरसात के समय देखने में काफ़ी अलग ही मज़ा लगता है। तो दोस्तों वाकई में ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। और यहाँ का सबसे एक विशेष चीज़ हम बता दें कि यहाँ से सनसेट देखने का कुछ और ही मज़ा है। सूर्यास्त जिसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सूर्यास्त का समय है और सूर्यास्त यहाँ पे देखने में काफ़ी मज़ा आता है। यही है दोस्तों हमारा बास्की चौक। तो हम अपना जानकारी के अनुसार आपसे जो है अपनी बातें हम शेयर किए, आपको अच्छी लगी होगी, मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब हम आपको जो है यहाँ का टैंक दिखा देते हैं एक बार, जहाँ से पानी जो है मशीन के द्वारा ऊपर उठता है और पाइपलाइन के द्वारा पूरे दुमका वासियों को सप्लाई होती है। तो यही है इसका आखिरी, जब पुल